Sapnananda, Vice President, Senior Vice President, Mr. Dr. M.K. M.S. Kamboj, Vice President, Sri Arvind Jainji, Vice President, Sri Rampal L.E.G., General Secretary, Mr. Rajiv Mukhal, Treasurer, Raman Kumar Sharma ji, to please accompany our worthy guests for the lamp lighting ceremony. With this lamp lighting, let us all pray that we transcend on the path of peace. आओ सर आगे सर मैं भी आ रहा हूँ अजय सर आप भी आओ
guest and other dignitaries present. मंजिलें उन्हें ही मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हें ही मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आप सभी उस हौसले के प्रतीक हो जो हमारी विरासत योग को संजोए हुए हो, और आपके द्वारा ये अगली पीढ़ी पर पहुंचेगी, और इसी तरह ये हिंदुस्तान की विरासत युगों युगों तक इस दुनिया को रोशन करती रहे। हमारी कोच माननीय डॉक्टर सपना नंदा जी, CYA के प्रेसिडेंट DC शर्मा जी, हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अरविंद जैन जी, डॉक्टर कंबोज जी, रामपाल एरी जी, और इस सभी कार्यक्रम के कर्ता धर्ता राजीव उपल जी, जनरल सेक्रेटरी CYA, राजकुमार जी जिन्होंने अभी ऑनलाइन आपकी कंपटीशन ऑर्गेनाइज किए, मैडम महेंद्र कौर, रमन जी जो स्पेशली आए हैं, ये योगा फेडरेशन के आजकल ट्रेनर हैं, और नांगड़ा जी। सबसे पहले तो मैं जनरली होता चीफ गेस्ट का स्वागत, लेकिन मैं स्वागत उसका करूंगा जिसकी वजह से आज चीफ गेस्ट जी आए हैं, आप सब बच्चों का जिन्होंने पार्टिसिपेट किया और मेडल जीते। ये हमारा सौभाग्य है कि आज हिंदुस्तान की योगा की सबसे बड़ी शख्सियत जो पिछले 45 वर्षों से इस योग को घर घर पहुंचा रहे हैं स्पोर्ट्स खेल के तौर पर, हिंदुस्तान ही नहीं एशियन कंट्रीज नहीं पूरे वर्ल्ड में पहुंचाने वाले हमारे आज के चीफ गेस्ट योगा फेडरेशन ऑफ इंडिया के लाइफ टाइम चेयरमैन श्री अशोक कुमार गजबाल जी, एक जोरदार तालियों से। ये केवल हमारा ही सौभाग्य है क्योंकि हर जगह आजकल कोविड में जाया भी नहीं जा सकता, और क्योंकि अग्रवाल जी हमारे पड़ोस में पंचकुला से आते हैं तो हमारे ऑलमोस्ट हर फंक्शन पे ये आते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं। आज आपको ये आशीर्वाद देने के लिए जब इतनी बड़ी हस्ती आपके पास आई है, आप सोचो ये योगा का भविष्य कहाँ जाएगा चंडीगढ़। 19 तारीख को जनवरी को इलेक्शन हुए और अग्रवाल जी को लाइफ टाइम चेयरमैन इलेक्ट किया गया, और इनके साथ ही इनसे कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली ये भी योगा फेडरेशन ऑफ इंडिया के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, और हर जितने चैंपियनशिप होती थी उनकी ये डायरेक्टर होती थी मिसेज इंदु अग्रवाल हमारे बीच में है। ये हमारी शीर्ष योगा फेडरेशन ऑफ इंडिया जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी खेल की ये संस्था है, ये उसकी आजकल प्रधान है, प्रेजिडेंट है, और हमें बड़ा खुशी है कि हमारे बीच में आगे ये आप सबको चंडीगढ़ योगा सृजन को हमें आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पहुंचे, आप सबको इकट्ठा किया हमारे मित्र राजकुमार जी ने। ऑनलाइन पे हमें नहीं मालूम था कैसे प्रतियोगिता कही जाती है, लेकिन उन्होंने ये भी कोई IT के नहीं थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत की, और आप ये जो हमारी 36 चंडीगढ़ स्टेट जो योगासन स्पोर्ट चैंपियनशिप है उनको इन्होंने ऑनलाइन ऑर्गेनाइज किया। ये पहली बार हिस्ट्री में हुआ है चंडीगढ़ में कि कोई ऑनलाइन इतनी बड़ी प्रतियोगिता हो रही है। ये ठीक है कि हमारे 500 के पार्टिसिपेंट होते थे, इस बार में 140-150 हैं, लेकिन फिर भी जितना हमें सोचा था उससे कहीं अधिक आपने पार्टिसिपेट किया, और आपका बहुत उत्तम था जो आपने वहाँ परफॉर्मेंस दी, इतनी बढ़िया थी कि मुझे ये कहते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि नेशनल में भी हमारे 3 बच्चों ने, जो अभी नेशनल 45th संपन्न हुए, 3 बच्चों ने पोजीशन हासिल की, इसमें 3rd पोजीशन भी है। एक जूनियर बच्चों किस बच्चे की है नेशनल में, एक बार खड़े हो गए, ये आप सबको भी बहुत बहुत मुबारक। जल्दी होता है कि जब हम ये
ये प्रोग्राम करते हैं तो सारे बच्चे बैठे होते हैं, पार्टिसिपेंट 500-600 होते हैं, तो उसमें हम बड़ा सीक्रेट रखते हैं कौन फर्स्ट आया कौन सेकंड आया। ये पहली बार हो रहा फंक्शन, आप सबको पता है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और आपके अलावा कोई भी नहीं है, तो आप अपने लिए एक बार ताली बजा दीजिए बस। ये अपने लिए ताली इतनी होती है अपने लिए, ये आप अपना एक्यूप्रेशर कर रहे हैं, लोगों के साथ एक्यूप्रेशर हो जाए तो फिर बहुत अच्छी होती है। मैं सारा कॉलेज साहब जिसने दिन रात मेहनत करके इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए अपना समय दिया, कीमती समय दिया, क्योंकि कॉलेज में छुट्टी तो मिलती नहीं, काम साथ में करना पड़ता है, मैडम सरगी जी जो आज इस प्रोग्राम को पेश कर रही हैं, ये हमेशा ही हमारे प्रोग्राम पेश करती हैं और बहुत बढ़िया तरह से करती हैं। जिन बच्चों ने अभी यहाँ बैठकर मंत्र उच्चारण किया, बहुत अच्छा लगता है जब योगा के कार्यक्रम में हम मंत्र उच्चारण से इसकी शुरुआत करते हैं तो एक पॉजिटिविटी आती है हमें, हमें लगता है कि हम कहीं किसी ऐसी जगह बैठे जहां हमें मन को शांति मिल रही है, आत्मा को शांति मिल रही। तो मैं अग्रवाजी के बारे में ये बता दूं कि एक व्यक्ति अंतिम प्रयासों से किसी भी काम को कहां तक ले जा सकता है, एक एसोसिएशन शुरू करना, फेडरेशन शुरू करना, एशियन फेडरेशन शुरू करना और वर्ल्ड फेडरेशन शुरू करना, ये सब इनके हाथ में है। और इतने फेडरेशन कप हो, वर्ल्ड कप हो, एशियन चैंपियनशिप हो और 45th आपने देखिए अभी नेशनल चैंपियनशिप आप सबने उसमें पार्टिसिपेट भी किया है, ये अकेला आदमी एक एसोसिएशन बना तो सकता है, लेकिन इतने साल तक उसको चलाना, हाफ सेंचुरी हो रही, इतने साल तक किसी संस्था को चलाना और भली भांति चलाना, चलती भी रहती है संस्थाएं, बहुत चलती रहती है, कोई आया कोई गया, लेकिन इतने अधिक समय तक इतनी बढ़िया तरह किसी संस्था को चलाना ये शायद कोई कर सकता है तो अशोक अग्रवाल जी हैं, और मेरे ख्याल नहीं कर सकता। और अशोक अग्रवाल जी भी इसलिए है कि पीछे एक नारी का हाथ है, कहते हर एक सबल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, तो यहाँ तो नारी शक्ति बैठी हुई है, ये क्योंकि हमने मैंने भी बहुत साल 40 साल ऑल इंडिया में लीडरी की है ऑफिसर एसोसिएशन की, तो हमारी वाइफ कहती है आप भागते रहते हो घर में टिकते कुछ हो जाता था, लेकिन यहाँ तो दोनों ही भागते रहते हैं, कोई पूछने वाला ही नहीं है, तो इनके लिए तो ये बहुत आसान काम था, लेकिन फिर भी इतना जूझना, इतनी मेहनत से काम करना और उस स्पोर्ट्स के लिए जिसको स्पोर्ट का दर्जा नहीं मिला, आज तक नहीं मिला, लेकिन अड़े हुए हैं, ये दर्जा भी मिलेगा, इसको ग्रेडेशन भी मिलेगी, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ जिस तरह से अग्रवाल जी मेहनत कर रहे हैं आपको ओलंपिक में खेलने का मौका भी मिलेगा। और सारी दुनिया में एक ही ऐसा खेल है जिसमें कोई उम्र नहीं है, आपने पार्टिसिपेट किया 8 से 10, 10 से 12, 12, 14, 16, 18, करते करते 70 साल के पार्टिसिपेट आते हैं, बाकी सभी गेम्स में पार्टिसिपेंट जो एज के हिसाब से निकलते जाते हैं, क्रिकेट में आते हैं कोई 40 साल तक आते हैं लेकिन 40 से ऊपर वहां नहीं आते, यहाँ तो है अब 45 आप खेलिए और जिसको आता है योगा करना कर अवश्य करें। आपको मैं कोई योगा का लेक्चर इसलिए नहीं दे रहा कि आप मेरे से ज़्यादा योगा जानते हैं, ये कॉलेज ये योगा का ही कॉलेज है, हमें तो इतना योगा नहीं आता, हम तो एक संस्था को चला रहे हैं, लेकिन ये अवश्य है कि जिस देश का बच्चा योगा को अपनाता है, जिस देश का बच्चा योगा की कंपटीशन में भाग लेता है, उस देश का भविष्य हमेशा उज्ज्वल होता है। तो आपका देश जिसकी बागडोर आपके हाथ में आने वाली है, इसका भविष्य बहुत ही उज्ज्वल होगा। इसके साथ ही आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और एक बार फिर अग्रवाल जी और मिस्टर अग्रवाल का बहुत बहुत यहाँ आने के लिए बहुत बहुत वेलकम, अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद। Thank you, Vidmani sir, for such power-packed words of motivation and sharing with us the achievements and accomplishments and the immense contributions of our worthy guests. Moving ahead, to acquaint you all about our esteemed institute, which is unique and one of its kind,
I invite our revered principal, Dr. Sapnananda, to share the prestige and glory of Government College of Yoga Education and Health. Thank you so much, dear Sagi. It's indeed a proud privilege, a proud moment for this college that very distinguished dignitaries of Chandigarh Yoga Association are present together on this platform today morning. Very respected Shri Ashok Agarwal ji, Madam Indu Agarwal ji, Shri DC Sharma sir, Mr. M.K. Varmani ji, Shri Arvind Jain, Dr. Kamboj, Mr. Airy, Mr. Raman, Mr. Ragre, Ms. Mohinder Kaur, Mr. Rajiv Agarwal, other office bearers of this association, prize winners, my distinguished faculty and students of Government College of Yoga Education and Health, a very pleasant morning to all. I take this privilege to acquaint you all with Government College of Education. You know it well, and some of its initiatives taken during this year. This Government College of Yoga organization was established by Chandigarh administration in the year 1962 to promote health and awareness among the residents of City Beautiful. Regular yoga sessions were conducted for the benefit of residents of the city. In July 1976, one-year diploma course in yoga education was introduced in this college. In the year 1982, the institute started two-year degree course, that is BA in yoga, affiliated with Punjab University, Chandigarh. Chandigarh administration took a landmark decision in the year 2008-09 by upgrading this institute yoga organization into an independent college, and it became Government College of Yoga Education and Health. Then thereafter, postgraduate diploma in yoga therapy was further introduced in the college in the year 2007 under the innovative program of University Grants Commission and duly affiliated to Punjab University, Chandigarh. Further, basic certificate course in yoga education was also introduced in the year 2008. I feel proud to say that this college is the only government yoga college all over India providing congenial environment for yoga education and extends its services taking care of physical, psychological and spiritual health of the citizens of this part of country in general and the City Beautiful, Chandigarh in particular. Today, we have 50 Ayush Yoga sub-centers under the supervision of this college, which are run across health and wellness centers of Chandigarh, and another 50 are proposed to be started soon. So tomorrow, we are having a meeting with Director Ayush regarding this matter. Government College of Yoga Education and Health utilized the pandemic adversity as an opportunity, and few new initiatives were undertaken by the college during the lockdown period. This college successfully published its first edition of annual magazine named Kalash, then a newsletter, half-yearly newsletter under the name of Yog Vritant which is published twice a year, and second volume has been released in January this year. The college also started an e-journal with the name of Yogic Insight to publish research articles of scholars who are working in the field of yoga and health. So we have applied for the ISSN number for this journal, and we are hopeful to get it soon. And second edition will hopefully be published with ISSN number. During COVID-19 pandemic, our college is taking strides in new directions and has gone digital with the aim to reach and help maximize people in boosting immunity and find tranquility in this chaotic situation. This college has launched its YouTube channel, and I am proud to say that today we have more than 700 subscribers within a span of
I think less than it is 4 or 5 months. Lots of webinars on various topics of health, PCOD, hygiene, nutrition, dietetics, constitution, human rights, such kind of seminars are being organized. No doubt yoga also, the yoga and Ayurveda, these are being organized by the college from time to time. And soon we are going to organize an international webinar with renowned international speaker, PK Sister Shivani, on 20th of this month. And our worthy advisor, Shri Manoj Paridaji, advisor to administrator, is going to be to bless us as chief guest for this webinar. So this list is endless. We are holding a number of workshops, seminars, conferences and other online programs from time to time. And I hope the vision will be vision to make yoga college, to bring it on the international map, will be fulfilled soon. So with your blessings, sir, we are making every possible effort to bring the best out of this college. Thank you so much, and I wish you all the best. Thank you so much, ma'am, for your kind words and beautifully summarizing the activities and achievements of Government College of Yoga Education and Health. Moving ahead, now get ready for a breathtaking performance. Here's presenting before you musical demonstration of yogasanas by the students of our college. Yoga demonstration by the students of our college. Thank you.
तो कहते कोई बात नहीं,
आपको डीएवी कॉलेज में मैं फ्री शिफ्ट दिला दूंगा, एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। तो फिर भी मैं सोचने लगा कि अब तो वहां 3 महीने निकल चुके हैं, कहते आपको स्कॉलरशिप भी दिला दूंगा मैं 100 रुपीज पर मंथ। तो फिर एडमिशन हो गया वहां पे, मैं कहा एक मेरा फ्रेंड भी है उसको भी, कहते उसको भी एडमिशन करा देगा, ले जाओ आना है आपको, लेके आना है यहाँ पे। तो डीएवी कॉलेज में पढ़ने लगे, तो योगा प्रैक्टिस की वजह से फिर पढ़ाई में थोड़ा सा पीछे रह गए। तो सर ने कहा ट्यूशंस फिजिक्स और केमिस्ट्री की, श्री अशोक मुद्दा यहाँ 23 अक्टूबर में रहते हैं, डीएवी कॉलेज के प्रिंसिपल भी रहे हैं, उनके पास फ्री में इन्होंने ट्यूशन पढ़ाई हमारे कॉलेज ने, हमें पे करा 300 रुपये पर सब्जेक्ट उस टाइम पे। तो कितना सपोर्ट करते हैं सर, और यही सपोर्ट जो हमने इनसे शिक्षा ली, जो हमने पाया, तो वही हमने आगे देना है। तो इसलिए मैं चंडीगढ़ योगा एसोसिएशन में इसमें भी लाने वाले यही सर। तो जैसे इन्होंने सिखाया आगे, जो आपने लिया आगे कैसे देना है, तो हमारी कोशिश आती है कि जो प्लेयर्स हैं चंडीगढ़ योगा एसोसिएशन की तरफ से, ये पार्टिसिपेट करें, मेडल जीतें और नेशनल में खेलें, एशियन चैंपियनशिप में खेलें, वर्ल्ड चैंपियनशिप में खेलें। और मेरे को बहुत खुशी हो रही है इस चीज़ की, मिस आरती जो यहाँ की स्टूडेंट भी है वो एशियन गोल्ड मेडलिस्ट है। और ज्योति तिवारी नेशनल चैंपियन, डेमोन्स्ट्रेशन भी दिया उसने, ज्योति तिवारी। तो ऐसे ऐसे प्लेयर्स यहीं से सीख के और कहां तक पहुंचते हैं, ये सब सपोर्ट लेना भी हमने सीखा और सपोर्ट देना भी हमने सीखा इसलिए। और साथ में जो हमारे चंडीगढ़ योगा एसोसिएशन है, सिर्फ कंपटीशन ही नहीं करवाती, हर साल 36th चंडीगढ़ स्टेट योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप जो हमने ऑनलाइन करवा दी, इसके साथ साथ हमने उसके बाद एक कैंप भी लगाया उनका। कैंप में हमने उनको ट्रेनिंग दी योगा अच्छे से कैसे करना होता है, और हमारे खुशी हो रही है मेरे को बहुत, 3 प्लेयर्स वहां से मेडल्स लेके आए नेशनल योगा चैंपियनशिप में। हेलो, 3 प्लेयर्स हैं, जशिता छोटे एज ग्रुप में, जशिता खड़े हो जाए, जशिता भी है उसका नेशनल में मेडल, जशिता यस। थैंक यू शुभम एंड प्राची, शुभम एंड प्राची दो लड़कियां और हैं, वो बड़े एज ग्रुप की हैं, वो हमारा सेकंड सेशन होगा उसमें आएगी, उन्होंने भी मेडल लिया नेशनल योगा चैंपियनशिप में। और आगे हमने करवाना है फेडरेशन का, तो बहुत सारे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं चंडीगढ़ के, और भी स्टूडेंट जो प्लेयर्स हैं वो भी खेलेंगे फेडरेशन का, क्योंकि बड़े क्लोज मार्जिन से उनकी पोजीशन जो है ना थर्ड नहीं आ पाई, 4th, 5th, 6th, 7th के आसपास है, पहले 10th में सेट करते हैं, हमें ऐसी होप है क्योंकि हमने उनका परफॉर्मेंस देखा है। तो देखते हैं जब उनकी लिस्ट बनेगी तो हमारे कितने प्लेयर्स और फेडरेशन कप खेलते हैं, और उसके बाद एशियन, अरे क्या बात है, आउट ऑफ इंडिया, ये ड्रीम रहता है। योगा गेम में जिसके लिए ज्यादा जगह नहीं चाहिए, COVID-19 का टाइम, क्रिकेट प्लेयर से बैठे हुए आराम से घर पे खेल नहीं सकते, प्रैक्टिस नहीं कर सकते, कोई भी स्पोर्ट उठा लो, किसने करवाया नेशनल, किसने करवाया स्टेट, हमारी सिर्फ योगा गेम ऐसी है जिसने स्टेट भी करवा दिया नेशनल भी करवा दिया, और बहुत थोड़ी सी जगह पे आप ये सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और हमारे जो प्लेयर्स हैं वो इन टच रहे प्रैक्टिस के साथ, उन्होंने अपनी हेल्थ भी ठीक रखी और अपनी परफॉर्मेंस भी दी, मेडल भी जीते उन्होंने। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ सबको, ये ज्यादा जो हमारे प्लेयर्स हैं, तो इसका हम एक साथ जैसे मैंने बताया हमारी जो दूसरी एक्टिविटी है वो है इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। हमारे प्राइम मिनिस्टर उन्होंने जैसे ये इनिशिएटिव लिया, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा हर साल मनाया जाता है, सबको पता है कि जो उनका दिन जो रहता है तो उसमें सर बहुत सारे देशों में इसको मनाया जाता है, इंटरनेशनल इवेंट आई है। तो हमारे चंडीगढ़ योगा एसोसिएशन गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ योगा एजुकेशन के साथ मिलकर हमने हर इंटरनेशनल डे ऑफ योगा सेलिब्रेट करा, और हमें एडमिनिस्ट्रेशन ने एक जगह अलॉट कर दी योगा स्थल के नाम से, जो कि लेजर वैली है सेक्टर 10 में, तो वहां पे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई रोकता नहीं हमें, वहां पे कैंप्स भी लगाते हैं वहां पे, और साथ में हम अगर हमें पास कोई रिक्वायरमेंट आती है किसी हॉस्पिटल में, किसी डिस्पेंसरी में, किसी पार्क में, या किसी को वैसे ही कोई गाइडेंस चाहिए होती है, तो हम उनको उनकी हेल्प करते हैं, योगा के बारे में बताते हैं।
कॉस्टली एक्टिविटीज हैं, चंडीगढ़ योगा एसोसिएशन बहुत सालों से कर रही है, और जैसे गुरुओं के गुरु हमारे बीच में हैं, उनकी कृपा से जो गुरु जो है, सिर्फ मैं अपने गुरु की बात नहीं कर रहा, जैसे कि यह तो लिटरेचर में लिखा हुआ आदि गुरु, जो दूसरों के गुरु भी हैं, गुरु मिस गुरु, टीचर मिस टीचर, टीचर की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, आपके टीचर नहीं है लेकिन किसी के टीचर अगर हैं तो आप भी टीचर बन सकते हो। तो यह सब हमें श्री यशवंत कुमार अग्रवाल जी इनसे हमने सीखा, और होपफुली आप सभी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं ये भी आगे ऐसे ही कैरी करेंगे। तो मैं ये भी साथ में कहना चाहता हूँ, जो हमने ऑनलाइन कॉम्पिटिशन करा दिया, जो उसकी डेट थी 17, 18, 24, 25 अक्टूबर चंडीगढ़ स्टेट यूनिवर्सल स्पोर्ट्स चैंपियनशिप, उसमें हमारे जिन्होंने बहुत अच्छे से काम करा, हमारे कोऑर्डिनेटर श्री राजकुमार जी हमारे बीच में हैं, तो हमारी अपनी फील्ड है, लेकिन इनकी ऑनलाइन कैसे एडमिशन करानी, इन्होंने वहाँ पे ट्रेनिंग दी फेडरेशन से और हमें फिर इन्होंने गाइड करके ऐसे ऐसे, तो बहुत सक्सेसफुली मेरे ख्याल से चंडीगढ़ पहला स्टेट इवेंट था जिसने पहली स्टेट चैंपियनशिप करवाई फेडरेशन के लिए, और वातावरण में रैफरीज हैं वो मिस ज्योति मिस गीता राजपूत पीछे बैठे हुए हैं लास्ट में, थोड़ा सा आइडेंटिफाई शुरू करें अपने आपको, गीता राजपूत, गीता गौतम जी, गायत्री जी और प्रणीता जी, किरण मैडम जो हमारे बड़े सीनियर मेंबर हैं, ये रैफरी के साथ साथ हमारे चंडीगढ़ योगा एसोसिएशन में भी जब भी इनको कहा गया तो इन्होंने हमारे साथ इनकी जो भावना है बिल्कुल योगिक, तो दिखता है ये योगा प्रैक्टिस शुरू करते होंगे घर पे अपने लिए भी, दूसरों को तो करवाते करवाते हैं। थैंक यू वेरी मच। और मैं साथ में हमारे जो हमने मेडल देने हैं तो मेडल्स के साथ साथ हम एक मास्क भी देंगे ताकि जो कोविड-19 के अवेयरनेस, कोविड-19 खत्म नहीं हुआ अभी, इसके लिए आपको अवेयर होना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, ताकि मास्क इसीलिए दिया जा रहा है ना इसको पहने, और इसके लिए मैं मैडम सतेंद्र जी का धन्यवाद करता हूँ, हमारे नीचे बैठे हुए हैं, थोड़ा सा लेट ज्वाइन कराए उन्होंने, तो चलो एक बार कहने से ये बिल्कुल कहते जी मैं इन्होंने इनिशिएटिव लिया और ये अवेयरनेस देने के लिए मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और जब ये अभी फंक्शन खत्म होगा उसके बाद हम सारे प्लेयर्स को रिफ्रेशमेंट भी देंगे, उसके लिए हमारे यहाँ के कॉलेज के मिस्टर सुमान्यम मैडम अनुपमा इनकी तरफ से करसी जो तो सबको जो है रिफ्रेशमेंट मिलेगी, इनका भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ, और चंडीगढ़ योगा एसोसिएशन के लिए मैं जो हमारे बीच में जो प्रेजेंट न्यूली अपॉइंटेड प्रेजेंट है मिसेज इंदु अग्रवाल मैडम, तो इनका जो हमने प्यार लिया है, जैसे आप प्लेयर्स हो ऐसे ही मैं भी बिल्कुल आपकी तरह छोटा प्लेयर, कॉलेज में जब पढ़ते थे तो इन्होंने बिल्कुल हमें छोटे छोटे टिप्स दिए, ऐसे योगा करें, ऐसे पार्टिसिपेट करें, ऐसे कंपटीशन में मेडल लेके आए, और इनके घर भी जब भी तो इनका बिल्कुल मदरली ट्रीटमेंट जो हमें मिला योगिक, जैसे मैडम किरण का बताया मैंने, तो इनका एक मदरली जो है ना इनको योगा माँ भी कहा जाता है योगा की फील्ड, तो इनके लिए भी क्लैपिंग करें। सबका यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, ये हमारा सब जो कार्य था योगा एसोसिएशन का, तो इसके बाद मैं मैडम सभी से कहता हूँ तो प्लीज उसको आगे कार्य करें। थैंक यू। Thank you, sir, for sharing with us the glorious achievements of the students and Chandigarh Yoga Association. Let us now take the event forward by commencing the prize distribution ceremony to acknowledge the winners of the championship with medals. May I please request our worthy chief guest and guest of honor to grace the stage. And I now request Mrs. Mohinder Kaur to please take the program forward from here for the prize distribution ceremony. Thank you.
Anirudh Vasudev, first position in the category of 8 to 10 years. Anirudh Vasudev. Anirudh. Second, Ayush Rathod. Ayush. ये जैसा कि हमने नोट किया था कि जो फर्स्ट आए हैं उनमें कोई भी नहीं है, ये सांदर्भ का काम है। जो जूनियर सब यूनियन कैटेगरी में फर्स्ट आए हैं उनको कैश अवार्ड दिया है 1000 रुपीज, वो हमारे डॉक्टर कंबोज की तरफ से है, वो भी साथ में दिया जाएगा। तो कंबोज जी के लिए बात आगे हो जाती है। Second position 8 to 10 years. Third position Aman Jodh Sood. Aman Jodh Sood. Next 8 to 10 years. Myra Khattar. The Gurukul School, Jaipur. 8 to 10 years. Second Yashita Gupta. Be ready, Yashita Gupta. If she is here. Yashita Gupta. Next. Third position in the same category goes to Kritika. Kritika, sorry. Kritika. This was 8 to 10 years, now goes to 10 to 12 years. First position is Gunashiri Sharma. Gunashiri Sharma. Congratulations, Vijaya. Second, Aarti. Aarti, she is here. Yes. Third position, Jasnoor Barsta. First Gunashiri Sharma, second Aarti, third Jasnoor Barsta. Now boys, be ready. First position is Kartik. Be ready, Kartik. Line mein khade ho jao. Jasnoor Basra is third in the category of 10 to 12 years. इधर देखो बच्चों, यार अपने साथियों के लिए तो नहीं है। कार्तिक फर्स्ट पोजीशन, 10 टू 12 इयर्स। कार्तिक से कार्तिक निहाल, निहाल इज देयर। नेक्स्ट सहज प्रीत सिंह, थर्ड इज सहज प्रीत सिंह इन द कैटेगरी ऑफ 10 टू 12 इयर्स। नो। नेक्स्ट 12 टू 14 इयर्स कैटेगरी जया। जया फर्स्ट पोजीशन, सेकंड अनुष्का शर्मा गिरिडीह, शी गॉट सेकंड पोजीशन 14 टू 16 इयर्स। अनुष्का शर्मा, ठीक है, ठीक है, अनुष्का शर्मा। Now the category of 14 to 16 years, third position goes to Komal Gehlot. Komal. Komal. Next, Vinay. Vinay. First position in 14 to 16 years. Vinay is there? No. No. Okay, next. Second position goes to Jashandeep Singh. Good. In the category of 14 to 16 years. Next, Dipesh Kumar. Dipesh. Dipesh, third position, the same category. Next, Ram Kumar. 14 to 16, Ram Kumar, first position. Next, Krishna Bihari. Krishna. Krishna is here? Okay. Third position in the same category goes to Harman Singh. Harman Singh. Next, 14 to 16 girls, Ankita.
First position. Ashika. Gurkirat. Second position, Gurkirat Kaur. And third, Payal Verma. Third is Payal Verma in the category of 14 to 16 years of age. Arush Mehra, 16 to 18 years, Arush Mehra. First position, Arush Mehra. Second, Dilip. 16 to 18 years, Dilip. डॉक्टर देव वोरा एक ऐसी शख्सियत थी, आज दुनिया में नहीं है, हिंदुस्तान के बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर हुए हैं। और आपकी जानकारी के लिए ये जो सेंटर है वहां वाला 605 नंबर में वो पंजाब गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश किया था और उसके बाद वहां से ये बिल्डिंग बनाई गई क्योंकि वो प्राइवेट कोठी में था और मैं उसी सेंटर की प्रोडक्ट हूं। अब मेरे पास शायद मैं अगर गलत नहीं कहता तो हिंदुस्तान का मैं पहला आदमी हूं जिसने 1971 में सरकार में किसी खेल विभाग में योगा के प्रोफेशन में ज्वाइन किया और 2008 में डिप्टी डायरेक्टर योगा की पोस्ट। सारे हिंदुस्तान में शायद कोई डिप्टी डायरेक्टर योगा की पोस्ट नहीं बनी और यहां आकर मुझे बड़ी खुशी होती है। और ये जो आपकी चंडीगढ़ योगा एसोसिएशन है जिसके डीसी शर्मा जी प्रेसिडेंट हैं और विमानी साहब उसके चेयरमैन हैं, ये भी मेरे द्वारा बनाई गई और इसके आपको मालूम नहीं इसके सबसे पहले हमने प्रेसिडेंट किसको बनाया, डॉक्टर महेंद्र कंबोज जो सामने बैठे। पहले हमने एक बॉडी बनाई थी चंडीगढ़ योगा यूथ एसोसिएशन, यूथ थे कॉलेज के, मैं चेयरमैन था, डॉक्टर महेंद्र उसके प्रेसिडेंट थे। आजकल दिल्ली पुलिस में एक हमारे मिस्टर परमार है, वो शक्ति बनाए और जितने मेरे स्टूडेंट थे चंडीगढ़ में सभी कॉलेजों में, सभी कॉलेजों के जो प्रधान होते थे जिनको जिनसे सारा कॉलेज डरता था, हमने उनको सबको अपना पैटर्न बनाया और एक एसोसिएशन फॉर्म की। और हमने पहले आठवीं एट्थ नेशनल योगा